स्टूडेंट, माय नेम इज श्वेता फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपका लेसन फोर्थ कंप्लीट करा दिया था, आज हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन अध्याय 1 से 4 पर आधारित। जैसे कि हमने 1 से 4 लेसन कंप्लीट कर लिए, मतलब पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, तो उनसे जुड़े क्वेश्चन आंसर हम आगे करते हैं। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि बालक किसकी तरह सहनशील बनने की इच्छा रखता है? तो बालक धरती की तरह सहनशील बनने की इच्छा रखता है। सेकंड क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने मानव को क्या संदेश दिया? तो महात्मा बुद्ध ने मानव को प्यार और दयालुता का संदेश दिया। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि राजा कृष्णदेव राय तेनाली राम का सम्मान क्यों करते थे? तो राजा कृष्णदेव राय सम्मान उनका उनकी चतुराई के कारण करते थे, क्योंकि वो कितने चतुर थे, उसके कारण उनका सम्मान करते थे। फोर्थ क्वेश्चन है कि वीरा स्वामी ने बच्चे को कैसे बचाया? तो वीरा स्वामी ने बच्चे को एक पतली रस्सी के सहारे वह कुएं में कूद गया और डूबते हुए बालक की जान बची। फिफ्थ, संज्ञा की परिभाषा लिखिए। जैसे कि संज्ञा की परिभाषा देखिए, जो शब्द किसी वस्तु, प्राणी अथवा स्थान का बोध कराता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। रिपीट, जो शब्द किसी वस्तु, प्राणी अथवा स्थान का बोध कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी वस्तु का नाम, प्राणी का नाम या स्थान का नाम का बोध कराता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। ये क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट हो चुके। अब हम देखिए इसके आगे का, हम देखते हैं बुक में से। अब ये क्वेश्चन हमने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है, इसके आंसर हमने आपको बता दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तेनाली राम ने चोरों से अपने खेत की खालिस्तान करा ली। क्या करा ली थी? सिंचाई। फिर है, वीरा स्वामी को खालिस्तान की कोई परवाह न थी। तो किसकी नहीं थी परवाह? खतरे की। इस प्रकार आज हमने आपका रचनात्मक मूल्यांकन में लेसन 1 से 4 तक के आधारित क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने आपका कंप्लीट करा दिया। आज का आपका होम टास्क यही है कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं और उनको साथ के साथ लर्न भी करना है। धन्यवाद।